वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और मैं तुम्हारी एजुकेटर डॉक्टर नितिका भंडारी फिर से आ गई हूँ तुम्हें इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनाने। सो आर यू रेडी गाइज इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनने के लिए? ये सुपर रिविजन बैच हमारा चल रहा है, और जो सुपर रिविजन बैच है उसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने यूटिलिटी कर लिया है। और आज हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करना है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को बहुत ही सिंपल सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और मुझे जो है पूरा विश्वास है कि तुम लोगों को ये बहुत सिंपल लगने वाला है, रियली। सो आर यू रेडी गाइज? मुझे लगता है सब बच्चे यहाँ पे तैयार है, बिकॉज इजी इजी चीज़ें तो मेरे किड्स को बहुत पसंद है। आई एम श्योर अबाउट इट कि इजी इजी चीज़ें जो हैं मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। एंड यस, हेयर इज द इंडिफरेंस कर्व का, ये मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। ये हम स्लाइड शो लगा देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। और यहाँ पर अभी बस मुझे तुम लोगों के कमेंट्स दिखने वाले हैं, अभी मुझे दिख नहीं रहे थे इसलिए मैंने किसी को भी अभी तक हेलो हाय नहीं करा है। पर अब जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला है और यहाँ पर मेरे पास कमेंट्स दिख रहे हैं। शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, क्या हाल है? शुक्ला जी मुझे यहाँ पर दिख गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्ला जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वेरी गुड शुक्ला जी, वेरी गुड। इंडिफरेंस कर्व में हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। देवेश गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। राजा बहुत बहुत स्वागत। बस विद इन 1-2 मिनट्स में स्टार्ट कर रही हूँ। और ये टॉपिक ना गाइज इतना इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग इफ आई से ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से काफ़ी जो है क्वेश्चंस डायग्राम्स आ जाते हैं, और जो मुझे पर्सनली लगता है ना, इस टॉपिक से ईजी टॉपिक कोई भी नहीं है, एक बार समझ आना चाहिए सिर्फ। हाय सारूफ, गुड मॉर्निंग बेटे। हाय अमित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरे छोटे छोटे किडूज जो हैं वो पधार रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। जल्दी जल्दी से गाइस आ जाइए, मैं यहाँ पर तुम लोग का वेट कर रही हूँ, सो दैट मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को करा सकूँ। थैंक यू सो मच अमित। सलाम वालेकुम शाहरुख जी, स्वागत है आपका। ये मेरी इंट्रोडक्शन देख लीजिए, मेरे साथ शक्ल मिलती जुलती है क्योंकि ये मैं ही हूँ। दिस इज डॉक्टर नितिका भंडारी। पीएचडी कर रखी है फाइनेंस में गाइस मैंने, एंड मास्टर्स इन कॉमर्स एंड एमबीए आई हैव कंप्लीटेड विद यूजीसी विद जेआरएफ क्वालिफाइड, सीए इंटर क्वालिफाइड, एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ ईयर्स, राइट? सो गाइज आई होप द ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सबको क्लियर है ऑडियो वीडियो? प्लीज टेल मी, एक बार लिख के दिखा दीजिए मुझे। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच अमित यहाँ पे इतना क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए। हे गुड मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग। शैतानी बच्चा सेमी आ गया है, पर ये शैतानी ज़रूर है लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत है। बी एन लाइव जो है मेरा कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मेरा टेली लिंक जो है आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। और जो मेरी प्रोफाइल है दैट इज़ डॉक्टर नितिका भंडारी, वो भी आप ज्वाइन कीजिए। हाय थॉर क्रिएशंस जी, क्या हाल है आपके? ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी। मतलब एक जो एजुकेटर है वो पर्सनली आपके साथ टच में रहेगा और पर्सनली आपके स्टडी प्लान्स करेगा, राइट? ये फीचर्स आप देख पा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेशन होंगे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज, मैनी मोर। इवन अभी तो सब्जेक्टिव भी शुरू होने जा रहा है गाइस, क्योंकि जो अनअकैडमी है इसका जो मेन पर्पस है ना वो ये है जन जन तक विद्या को पहुंचाना। हाय कन्नू, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, क्या हाल है राजा? अब मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और आज मैंने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं इन डिफरेंस कर्व के लिए कि मतलब रियली आफ्टर द एंड ऑफ लेक्चर तुम बोलोगे ये बात, मैम आपने इन डिफरेंस कर्व रियली बहुत सिंपल कर दिया है।
पर उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। हाय हर्षित, गुड मॉर्निंग। रुकना पड़ेगा यहाँ पर मेरे पास, और मुझे पता है सब बच्चे यहाँ पर रुकने वाले हैं। राइट, ये कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप देख पा रहे हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिए और सीधा मेरे पास प्लस में आ जाइए। और एक बार तुम प्लस में आ गए ना, उसके बाद तो तुम्हें बुक्स को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है क्लास में ही कवर हो जाता है। बुक्स में से पढ़ने की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा आहू, इतने दिनों बाद आई है गुड़िया। हाय रेशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेशु जी। बिना खर्च पैसे किए तो यहाँ पर राशिद जी पढ़ ही रहे हैं हम। हाउ स्वीट राशिद जी, आपने बड़ा ही प्यारा सा और स्वीट सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, खुशी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस हम शुरू करने जा रहे हैं, बस आप आ गए हैं यहाँ पर। ये कुछ बैचेस है, अगर कोई बच्चा कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये बैच 23 नवंबर से शुरू हुआ हुआ है। मैम 23 नवंबर से, मैम कोई नया बैच बताओ। चलो ठीक है, फिर ये एक बैच देखो, बिल्कुल फ्रेश बैच है जो आज से शुरू होने जा रहा है गाइस। 3 महीने का बैच है ये और आज से शुरू होने जा रहा है। हाँ आई नो आई नो आई नो आहू, ध्यान रखो अपना बेटा जी, बहुत बहुत ध्यान रखो अपना। एंड लेट्स स्टार्ट गाइस, आर यू रेडी एवरीवन? प्लीज एक बार यस लिख दीजिए यहाँ पर सारे, फिर मैं शुरू कराऊंगी यहाँ पर बहुत ही प्यार से तुम लोगों को। एक बार सारे बच्चे यहाँ पे यस लिख देंगे, ताकि मेरे पास तुम लोगों की कनेक्टिविटी रहे कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं मुझे बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये कुछ सिलेबस की स्लाइड्स थी, यहाँ से मैं स्टार्ट कराऊंगी। दिस इज इन डिफरेंस, यस। अरे वाह, क्या बात है, आहू अमित ने यस लिख दिया है, बाकी बच्चे भी लिख दो ना यार, मैम खुश हो जाएगी तुम्हारी, इतनी सी बात में मैम खुश हो जाओगे? लो मैम, हम 2 बार यस लिख देंगे। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट गाइस, हाउ स्वीट। मतलब मेरी जो कोशिश होती है ना गाइस, वो होती है कि ना तुम्हें और ना मुझे किसी भी एंगल से ना ये वर्चुअल क्लास नहीं लगनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, अमित ने तो मुझे डांस भी करके दिखा दिया यहाँ पे। वाओ अमित, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, तुम इतना एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी क्लास शुरू करने से पहले एक बार तुम सबके लिए यहाँ पर क्लैप करूँगी, जो सुबह 9 o'clock एक पढ़ाई करने की बिल्कुल अच्छी वाली डिटर्मिनेशन लेकर यहाँ पर आते हैं। क्योंकि सुबह 9 बजे तो फ्रैंकली वही आएगा जिसको रियली में पढ़ना है, कोई भी टाइम पास करने यहाँ पर नहीं आएगा। एक बार तुम सबके लिए यहाँ अन अकेडमी की तरफ से डॉक्टर नितिका भंडारी, पूरे वर्ल्ड में ये टेलीकास्ट हो रहा है एपिसोड, तुम सबके लिए एक बार मैं यहाँ पर क्लैप करती हूँ। कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, इसी तरह से जो अपनी डिटर्मिनेशन है उसको तुमने कंटिन्यू रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके ग्रेट शिवम, वेरी नाइस। इसके लिए ना मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लॉजिक्स देने वाली हूँ ना आज, तुम्हें खुद ही समझ आ जाना है कि ये चीज क्या है, इकोनॉमिस्ट कहना क्या चाह रहे हैं। इनडिफरेंस, अच्छा इनडिफरेंस करने से पहले पहले मुझे यहाँ पर डिफरेंट का मतलब बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट गाइस? यस खुशी, मैं आपको दे दूंगी गुड़िया। गुड मॉर्निंग राहुल बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मुझे डिफरेंट का मतलब बताइए सब बच्चे, यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मेरे जो किडूज हैं, यहाँ पर डिफरेंट का मतलब मुझे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। गुड गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग राहुल बेटे, चलो बताओ फटाफट। नॉट सेम, बिल्कुल ठीक, या जिसको हम कहेंगे अलग अलग, ठीक है, नॉट सेम, बिल्कुल ठीक बताया मुझे खुशी ने, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अलग अलग, बिल्कुल ठीक आहू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सेमी, नॉट नॉट सेम, इतना सबको क्लियर होता है। अर्पिता हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डॉल? डिफरेंट का मतलब है नॉट नॉट सेम, तो इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ गाइज? ये इसका ऑपोजिट हो गया ना, देखो ध्यान दो यहाँ पर, डिफरेंट का ऑपोजिट हो गया इनडिफरेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी यहाँ पर, कोई आपको खास दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी यहाँ पर। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट अर्पिता, जल्दी बताइए, अगर डिफरेंट का मतलब नॉट सेम है तो इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? मैम वेरी सिंपल, इनडिफरेंट का मतलब हुआ, ग्रेट खुशी,
सेम। सो जब भी तुम्हें इन डिफरेंस की बात आएगी ना, एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए और वो वर्ड क्या है? सेम। वो वर्ड क्या है? सेम। वेरी नाइस। समझो आधा जो है तुम्हें इन डिफरेंस को समझ आ गया, अगर तुम्हें सेम वर्ड समझ आ गया। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, कमाल कर दी तुमने। अब देखो, अब मैं इसको कर्व के थ्रू समझाती हूँ तुम्हें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कर्व्स अगर तुम्हें बनाने आ जाए, कर्व्स का जो है अगर तुम्हें मतलब समझ आ जाए, तो काफी चीजें जो है यहाँ पर सिंपल हो जाती है। इनडिफरेंस, एक मिनट रुको, मैं अभी फिर से पीछे जाती हूँ। सेम, सेम को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं, ठीक है? सेम को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। सेम क्या? सेम सेटिस्फैक्शन। अब सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है अगर, तो कम से कम दो कमोडिटीज तो होंगी, यस और नो? कम से कम दो कमोडिटीज तो होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम सेटिस्फैक्शन हमें दे रही है दो कमोडिटीज। ध्यान देना यहाँ पर, इतना सिंपल तरीके से गाइस, तुम जितना मर्जी जहां से मर्जी सर्च करने की कोशिश कर लेना, ये लॉजिक्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहां से दो चीजें निकल कर आती हैं, एक दो कमोड, एक सेम सेटिस्फैक्शन और एक टू कमोडिटीज। इतना क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पर एक कर्व बनाऊंगी, ये कर्व यूं सारी चीजें बताऊंगी कि कन्वेक्स क्यों है, कनकेव क्यों नहीं है एंड ऑल। ये मैंने बनाई है गाइस इनडिफरेंस कर्व, दिस इज इनडिफरेंस कर्व। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक कमोडिटी इधर है, दिस इज नोन एज एक्स कमोडिटी। गुड मॉर्निंग पार्वती गुड़िया, क्या हाल है? जल्दी आ जा गुड़िया, अभी शुरू ही हुआ है। और यहाँ है वाई कमोडिटी। अब इस ध्यान देना, ध्यान से सुनना मुझे। ये जो कर्व है, लिसन टू मी केयरफुली गाइस, ये जो कर्व है इसके ऊपर जो भी आ रहा है, इसके ऊपर ये जो कर्व है इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं। हाय लखन, हाउ स्वीट लखन, तुम स्पेशली यहाँ पर आए हो मुझे मिलने के लिए। तुम लोगों के साथ यूट्यूब पे मेरा अलग ही बॉन्ड बन गया है। कुछ बच्चे जो यहाँ पर रोज आते हैं और स्पेशली मुझे बताने के लिए आते हैं चीजों को। हाँ, ये हाउ का मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, खुशी थ्रू द टेबल, ठीक है गुड़िया? एक सेकेंड के लिए वेट कर, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है सेम सेटिस्फैक्शन और दो कमोडिटीज और उसको कर्व में कैसे करना है। अब देखो, अब यहाँ पर पांच कॉम्बिनेशंस ले रही हूँ मैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तुम प्रैक्टिकली सोचो, ये है एक्स, ये है वाई, और इनडिफरेंस कर्व कहती है ये पांचों कॉम्बिनेशंस जो हैं तुम्हें इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। अच्छा, इसको ना मैं अल्फाबेटिकली कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। ए बी, एक मिनट यार, अभी करना पड़ेगा इसको, वेट गाइस, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली मुझे समझाना है, तो मैं किसी तरह से भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती तुम लोग के माइंड्स में। मेरे साथ साथ ना बेस्ट रहेगा अगर मेरे साथ साथ कॉपीज पे बनाओगे। हाय लीलावती जी, क्या हाल है गुड़िया? ये पांच कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है? वो पांच कॉम्बिनेशंस ये हैं, X1, Y15, B2, ये 11, ये 3, ये 8, ये 4, ये 6, ये 5 और ये 5। अभी ध्यान से सुनना जरा मुझे, रेशियो अभी राजी सेकेंड चैप्टर ये गुड़िया, मैंने यूटिलिटी एनालिसिस खत्म कराया था ना, आज मैंने गुड़िया इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस शुरू कराया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये करा रही हूँ, बहुत सिंपल, मतलब तुम ऐसे बीच में भी सुनना शुरू कर दोगी ना, तुमको क्लियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स निकाली हैं इनको समझाने के लिए कि बच्चों को बहुत सिंपल लगे। फॉर यू ओनली गाइस, फॉर यू। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हु आर यू सेइंग सॉरी गुड़िया? ओके गाइस, देखो एक ना छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। यहाँ पर तुम्हारे पास दो कमोडिटीज हैं, ये मान लो ये है तुम्हारे पास लॉलीपॉप, ठीक है? छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जल्दी समझ आएगा। ये तुम्हारे पास है चॉकलेट,
एक लॉलीपॉप है, एक चॉकलेट है। अब तुम्हारे पास एक लॉलीपॉप है, 15 चॉकलेट्स हैं, ठीक है? एक लॉलीपॉप है, 15 चॉकलेट है। अभी छोटा बच्चा अगर उसका मन करता है मुझे एक और लॉलीपॉप मिल जाए, तो एक और लॉलीपॉप लेने के लिए ना तुम 4 चॉकलेट्स सेक्रीफाइस करने को तैयार हो कि तुम्हें एक लॉलीपॉप मिल जाए, 4 चॉकलेट सेक्रीफाइस कर दी। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास 2 लॉलीपॉप्स हैं और 11 चॉकलेट्स हैं। हाई ट्राउजर, बट यू आर इक्वली सेटिस्फाइड, तुम खुश हो। अब तुम सोच रहे हो मैं एक और लॉलीपॉप ले लेता हूँ, ठीक है? तो एक और लॉलीपॉप लेने के लिए, एक और लॉलीपॉप लेने के लिए, एक मिनट, यहाँ पे तुम फिर से, यहाँ पर फिर से, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। अच्छा, ट्राउजर ने कल प्लस ले लिया है, ग्रेट ग्रेट, वाओ दैट इज ग्रेट यार। तो तुमने फिर से सेक्रीफाइस कर दिए 3। ओके, अभी तुम्हें एक और लॉलीपॉप की इच्छा हो रही है, तो तुमने 2 कर दिए और सेक्रीफाइस। फिर तुम्हें एक और लॉलीपॉप की इच्छा हुई, तुमने 1 सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पे से मैं एक और तुम्हें लॉजिक बताने जा रही हूँ। जैसे जैसे तुमको लॉलीपॉप मिलते जा रहे हैं, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, वो कम होती जा रही है। नोटिस कर रहे हो यहाँ पर जो ये सेक्रीफाइस करने का रेशियो है वो कम होता जा रहा है। पहले तुम 4 करने को तैयार थे, फिर तुमने 3 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए। यस और नो एक बार लिख दो, इतनी छोटी सी बात मैंने अभी कराई है, एक बार यस लिख दो। एवरीवन, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, जितने लोग भी यहाँ पर हो। आई रियली नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरीवन बिकॉज यू ऑल आर सो स्पेशल टू मी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ से क्या निकला, ये एक यहाँ से कॉन्क्लूजन निकला कि ये जो 5 कॉम्बिनेशंस हैं, अरे कोई बात नहीं जॉन्सर, कोई बात नहीं, ये जो 5 कॉम्बिनेशंस हैं इनमें से तुम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, ये तुम्हें इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। और इसी को हम कर्व पे जब प्लॉट करेंगे ना, ये कन्वेक्स बन जाएगा। दिस दिस शेप इज नोन एज कन्वेक्स। ये जो बाहर को होता है ना खुला हुआ मुंह, वो कन्वेक्स होता है, और जो अंदर को मुंह खुला हुआ होता है ना वो कनकेव होता है। और इसको मैं, बच्चे ना भूल जाते हैं, मैं इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज लेकर आई हूँ तुम्हें याद कराने के लिए। केव क्या होती है गाइस, केव क्या होती है, गुफा होती है ना। यस राहुल, हाय आशीष, हाय। केव गुफा होती है ना, जल्दी बताओ मुझे, केव गुफा होती है ना। राहुल आपने बिल्कुल ठीक बोला है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला है, केव गुफा होती है ना। सो इसलिए उसका मुंह अंदर को है और कन्वेक्स का मुंह बाहर को है। सो ये एक कन्वेक्स है। हाय श्रेया, हाय गिरीश, हाउ आर यू। सो हमेशा याद रखो इन डिफरेंस कर्व, इसके लिए मैं तुम्हें 2-3 चीजें अभी और लिखवाने लगी हूँ, आप लिख सकते हो मेरे साथ यहाँ पे इन डिफरेंस कर्व के बारे में। ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने अभी ये वाली स्लाइड से कॉन्क्लूड किया है इसको। फर्स्ट, 2 कमोडिटीज इन डिफरेंस कर्व तभी बनेगी जब 2 कमोडिटीज होंगी। यस यस लिखते जाओ यहाँ पे। सेकंड, सेम सेटिस्फैक्शन, ये भी सबको क्लियर हो गया बिकॉज बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट ही बहुत हैं। सेटिस्फैक्शन, थर्ड, 2 कमोडिटीज, सेम सेटिस्फैक्शन। तीसरा क्या है यहाँ पे, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है डिमिनिश। सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, डिमिनिश। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इतना क्लियर हुआ, ये 3 चीजें क्लियर हुई यहाँ पर। वाओ दैट इज ग्रेट यार, एक बार मैं तुम सबके लिए यहाँ पे क्लैपिंग करूंगी इतना अच्छे से समझने के लिए चीजों को। और एक और चीज जो मैंने आपको बताई है वो ये चीज है, आहू माय स्वीट डॉल, कि ये कन्वेक्स शेप है, कन्वेक्स कन्वेक्स।
ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो शेप है ये बाहर की तरफ होगा, यूं यूं, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई पूछे, अगर तुम्हें मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वाई कन्वेक्स, सपोज सपोज ये क्वेश्चन आ सकता है ना, वाई कन्वेक्स, क्या कोई मुझे आंसर देगा यहाँ पे कि वाई इन डिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स इन शेप। सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो मेरे बच्चे क्या आंसर करेंगे, उसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे से बच्चों, उसका आंसर सिर्फ यही होगा ये, कि जो इसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो है ना, इसका एक और नाम होता है, ये मैं कल डिटेल में कराऊंगी, तुम्हें आज कंफ्यूज हो जाओगे, इसका एक और नाम होता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब एक चीज को लेने के लिए, दोबारा, एक चीज को लेने के लिए तुम दूसरी चीज का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, एक कमोडिटी लेने के लिए, वेरी गुड अर्पिता, दूसरी कमोडिटी का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और गाइस, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, यस और नो, डिक्लाइन कर रहा है, नहीं, वो लॉ है राहुल, वो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मैं नाम बता रही हूँ इसका, कि इसको कहते क्या है, ये 4-3-2-1 है, ठीक है राजा, ये तो डिमिनिश कर रहा है, तो लॉ यही बन जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेरे प्यारे से बच्चे, ठीक है। सो यही इसका रीजन बन जाएगा कि वाई इट इज कन्वेक्स। सो वाई कन्वेक्स का क्या आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ, अरे वाह यार, मजा आ गया आज तो तुम्हें पढ़ाकर, मजा आ गया यार, तालियां रुक नहीं रही हैं मेरी, कमाल कर दिया यार आज तुम लोगों ने, दैट इज रियली नाइस, मजा आ गया, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरी नाइस, ग्रेट, मजा आ गया। अभी बताओ इतना समझ आया, अभी क्या करूंगी मैं, ये जितना मैंने आपको कराया ना, मैं दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन डिफरेंस कर्व हम करने लगे हैं, तो उसको शुरू करने के लिए मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे बच्चों मुझे बताओ डिफरेंट का क्या मतलब होता है। वी ऐड एक्स एंड वाई एंड वी गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक खुशी, तो मैंने तुम लोगों से पूछा था इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तुमने मुझे बताया इन डिफरेंस का मतलब होता है, मैम डिफरेंट का मतलब अगर नॉट सेम है तो इन डिफरेंट का मतलब होता है सेम। तो मैंने कहा अगर हम सेम की बात कर रहे हैं तो सेम सेटिस्फैक्शन कम से कम दो कमोडिटीज तो होंगी, तो इसका मतलब जहां हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं वहां सेम सेटिस्फैक्शन की बात होगी और दो कमोडिटीज की बात होगी। इतना समझ पा रहे हो? बिल्कुल ठीक, ठीक है, चलो फिर हम आगे चले। आगे मैंने आपको बताया कि ये कर्व जो है ये कन्वेक्स शेप में होती है, और इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो तुम्हें राजा जी सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ बच्चों ने पूछा, मैम कैसे, मैम आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है, तो मैंने तुम्हें एक टेबल दिखाया। ये टेबल ये कहेगा कि यहाँ पर पांच कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास एक लॉलीपॉप था, 15 चॉकलेट्स थे, दूसरा लॉलीपॉप लेने के लिए तुमने 4 चॉकलेट्स को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, इसी तरह से एक और लॉलीपॉप लेने के लिए तुमने 3 चॉकलेट्स, फिर 2 चॉकलेट्स, फिर 1 चॉकलेट्स। तो एक यहाँ से रूल बन रहा है कहीं ना कहीं कि तुम जैसे जैसे तुम्हें लॉलीपॉप्स मिलते जा रहे हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वो कम होती जा रही है, और यही एक रीजन है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन कर रहा है जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व की शेप कन्वेक्स हो जाती है। ये मैं और तुम्हें मजे से कराऊं, जरा रुको, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं और अच्छे से कराऊं। देखो ये देखो, ये एक पॉइंट बना ना, मतलब एक्स इसको मिला है इतना, वाई मिला है इतना, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे वाई बढ़ गया है,
अगर वाई बढ़ गया है तो एक्स काम हो जाएगा, यस और नो? मतलब एक रूल यहाँ पे, और अगर तुम एनालाइज करो ना, मेरे को ना पीएचडी की तरफ पढ़ाने की आदत पड़ गई है, एक रूल और एनालाइज करो ना, तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, तभी तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना मेरे प्यारे से बच्चों, तभी तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, मजा आ गया यहाँ पर तुमको पढ़ाकर। अब मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज कराऊं इन डिफरेंस कर्व की, प्यारी प्यारी सी प्रॉपर्टीज। हाँ खुशी, अगर इनकेस आज टाइम ना बचाना तो कल खुशी सारा लेक्चर ही बजट लाइन के ऊपर है गुड़िया। बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता ना कर तू, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आई तुम लोगों के लिए हूँ यहाँ पर कि मेरे बच्चों का 11th का बेस इतना अच्छा क्लियर हो जाए कि कल को किसी भी कंपटीशन में तुम बैठते हो तो तुमको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें इनके ना एक और नाम बताती हूँ, जैसे तुम लोगों के निकनेम्स होते हैं ना, तो वैसे ही जो इंडिफरेंस कर्व है ना, इसके मम्मा पापा ने ना इसके दो और नाम रखे हुए हैं। अच्छा मैम, कौन कौन से? एक इसका नाम रखा हुआ है, हाँ, राहुल, मैं वो भी बताऊंगी, राजा वो भी बताऊंगी मैं। एक इसका नाम रखा हुआ है आइसो यूटिलिटी, कोई बात नहीं शुभम, कोई बात नहीं मेरे बेटे, और दूसरा इसका नाम रखा हुआ है इक्वल यूटिलिटी। ठीक है, दो नाम इसके रखे हुए हैं। रिशु अन अकेडमी पे तो ऑलरेडी चल ही रहा है, वहां पर तो चल ही रहा है। ठीक है, ये इसके दो अलग अलग नाम हैं। ओके चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंडिफरेंस अ मैप के बारे में। उसके लिए मैंने ना स्लाइड बनाई हुई है, जो राहुल ने पूछा ना यहाँ पर, उसकी बात का हम यहाँ पे आंसर करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना सबको? एक बार यस लिख दो यार, मुझे एक अजीब तरह की एनर्जी मिल जाती है जब तुम लोग यस लिख देते हो। इंडिफरेंस मैप, ये इंडिफरेंस मैप का मैंने स्लाइड खोला है इसके बारे में। हाउ स्वीट गाइस, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच खुशी फॉर राइटिंग दिस, मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज मैंने इस चीज के लिए बहुत टाइम लगाया गाइस, कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊं कि बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना। क्या बात है सेमी, क्या बात है, बहुत मजा आया मुझे तुम लोग का रिस्पॉन्स देख के यहाँ पे। चलो आओ अभी इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करें। इंडिफरेंस कर्व क्या है? ऑफ कोर्स मैम करते हैं। इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो बात हो गई, इंडिफरेंस मैप क्या है? मैप क्या है गाइस? मैप है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब जब हम बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व को कट्ठा प्लॉट कर देते हैं उसको हम इंडिफरेंस मैप कह देते हैं। कुछ है ही नहीं इसमें तो, बिल्कुल सिंपल है। एक इंडिफरेंस कर्व मैंने तुम्हें बता दी, अब चार पांच इंडिफरेंस कर्व जब मैं एक ही कर्व के अंदर प्लॉट कर दूंगी यूं करके, तो ये सारे कट्ठे को हम क्या बोलेंगे राहुल जी? हम इस सारे को कट्ठे जो डायग्राम है इसको हम बोल देंगे इंडिफरेंस मैप। ये देखिए, अब इस इंडिफरेंस मैप में हमारे पास कितनी इंडिफरेंस कर्व्स हैं यहाँ पर लिख के बताइए। अरे कोई बात नहीं शुभम, कोई बात नहीं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि तुम कितना यहाँ पर फील कर रहे हो कि मैं क्यों जल्दी नहीं आ पाया। इस तरह के बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, मैं सीरियसली कह रही हूँ, जिन लोगों को पढ़ने की इतनी ज़्यादा अंदर डिटर्मिनेशन होती है। कितनी है जल्दी बताइए। यस यस यस, इसमें तीन है, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। सो ये तीनों इंडिफरेंस कर्व को इकट्ठा हम क्या बोलेंगे? लिख के दिखाएंगे मुझे यहाँ पर, इस सारे डायग्राम को हम क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस, इंडिफरेंस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप। अरे वाह क्या बात है, ये तो इंडिफरेंस मैप हमारा क्लियर भी हो गया गाइस, क्लियर भी हो गया यूनिक गर्ल। अरे हाउ स्वीट यार, आज तो अजीब ही पढ़ने का मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर। अब मैं आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज करवाने वाली हूँ। वाओ वाओ, सेमी, रेशु, अमित, राहुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं सारे। अब ना मैं कुछ अच्छा, इंडिफरेंस कर्व को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है तुमको, यस और नो?
इनडिफरेंस कर्व को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ और चीजें बताऊंगी। सारे बच्चे यस लिख दो एक बार, मजा तो तभी आएगा। करना चाहते हो ना, इसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो ना, भाई बनाना है। अरे वाह! अरे क्या बात है खुशी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्या बात है। अरे सैमी कहते हैं मैंने तो इसको अपना भाई बना लेना है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, क्या बात है, क्या बात है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में और चीजें पता करने के लिए, तो मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अच्छा, अब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता लग गया ना, वो प्रॉपर्टीज भी बड़ी जल्दी समझ लेता होता है। चलो ये देखो, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ। एक मिनट, पेन ले लूँ मैं यहाँ से। ये पहली प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहती है हायर द इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से सुनना, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। ये प्रॉपर्टी कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडिफरेंस कर्व कह रहा है। मैम एक बार थोड़ा सा और बताइए कैसे। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी, पहले ये लिख लो एक जगह पे गाइस, क्योंकि साथ साथ में लिखोगे ना चीजें क्रिस्टल क्लियर और होती जाएंगी आपको। देखो, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। आहू क्लियर हो रहा है मेरी गुड़िया को, कन्नू, अमित, आशीष, शुभम, पार्वती, रेशु, सबको क्लियर हो रहा है? जिनके नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं अभी, मैं उनके नाम बोल रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि बच्चों को मोस्टली ना क्यों करने की बहुत आदत होती है, वाई। तो जब उनको वाई का आंसर मिल जाता है ना, जब उनको वाई का आंसर मिल जाता है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं। सो तुम्हें भी जब वाई का आंसर मिलेगा ना, तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो आओ मैं तुम्हें वाई का आंसर देती हूँ। देखो, ये इंडिफरेंस का वन है ना, ना ना ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस तो है ही है, बिल्कुल ठीक कि दोनों का ही ज्यादा ज्यादा मिले, यूनिक, बिल्कुल ठीक तुम बोल रहे हो यहाँ पर। बट मैं तो अभी बच्चों को मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस पता नहीं ना, इसलिए हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अरे यहाँ पे तो मुझे लगता है बच्चों को मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस पता है, तभी यहाँ पर सारे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पर चलो अभी हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बारे में बात नहीं करते, हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप इंडिफरेंस कर्व वन पे थे, जब आप इंडिफरेंस कर्व वन पे थे, तो आपको एक पॉइंट लेते हैं ना, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट देख पा रहे हो, इस पॉइंट पे तुम्हें जो वाई कमोडिटी है ना, वो इतनी मिल रही थी, इतनी, ठीक है, और एक्स कमोडिटी इतनी मिल रही थी, एज सिंपल एज दैट। इस पॉइंट पे वाई इतनी मिल रही थी, एक्स इतनी मिल रही थी। मैम हाँ, ये तो हमको समझ आता है, सबको आता है समझ इतना। चलो एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करती हमने, तो उसपे भी इसी के पैरेलल एक पॉइंट हम ऊपर को ले गए, तो हमने ये नोटिस किया कि इस पॉइंट पे दोनों ही कमोडिटीज बढ़ गई हैं यार, दोनों ही बढ़ गई हैं। तो जब दोनों ही बढ़ गई हैं, तो नेचुरल बात है हायर सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। हायर सेटिस्फैक्शन कब होगी, इसके बारे में नीचे थोड़ा सा लिखो। व्हेन, ये लाइन तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी जो मैं यहां पर लिख रही हूँ। व्हेन बोथ कमोडिटीज, व्हेन बोथ कमोडिटीज गेट इंक्रीज्ड। अरे सो स्वीट खुशी, थैंक यू सो मच माय डियर बच्चा। व्हेन बोथ कमोडिटीज गेट इंक्रीज्ड, समझ पा रहे हो मेरी बात यहां पर तुम लोग? व्हेन बोथ कमोडिटीज गेट इंक्रीज, तो ये क्या हो जाता है राजा जी, ये हो जाता है हमारा हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक और कर्व बना देती हूँ, एक और कर्व बना देती हूँ, तो उससे क्या होगा, एक्स वाई और ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने एक और बना दी है I3, इसी के पैरेलल एक और पॉइंट लूँ यहाँ पर,
ये पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखो, फिर से देखो, देख रहे हो, ये देखो y बढ़ गया और इधर से x भी बढ़ गया, तो ये प्रॉपर्टी बन गई ना प्रॉपर्टी, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सैटिस्फैक्शन। एवरीवन इज क्लियर विद इट? एक बार यस लिख दो यहाँ पर सारे बच्चे, एक बार यस लिखोगे ना तभी मैं आगे चलूंगी, वरना नहीं मैंने चलना आगे। जल्दी जल्दी, आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन। जो जो बच्चे मेरे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मुझे सबसे यस चाहिए। और गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अगर हाँ मैं ज़रूर शुक्ला दोबारा बताती हूँ, अगर तुमको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तुमको इससे फ़ायदा मिल रहा है, डू लाइक द लेक्चर। लाइक्स बहुत कम है लेक्चर्स में। वेरी गुड शुभम, इतनी लेट आया है फिर भी उसको क्लियर हो रहा है, दैट इज़ रियली नाइस। चलो शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं एक बार जो है दोबारा आपको कराती हूँ। देखो शुक्ला जी ध्यान से इस चीज़ को पढ़ने की, हाँ, यूनिक जी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ। चलो चलो फिर से समझते हैं, कम ऑन एवरीवन, चलो फिर से समझते हैं इसको। मैं अब एक नई डायग्राम से समझाती हूँ, चलो मज़ा आएगा। एक और डायग्राम से समझते हैं इसको, मुझे तो अच्छा ही बड़ा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम पूछते हैं। प्रॉब्लम तो उसी को आएगी ना जो अच्छे से समझेगा। पेन ले लूँ मैं यहाँ पे, कहाँ है पेन? ये है, ये मैंने पेन ले लिया। चलो 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 सब दोबारा देखो यहाँ पर, कॉपी पेन प्लीज साथ साथ में यूज करते रहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करने लगे हैं, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन, कि मतलब अगर इंडिफरेंस कर्व ऊपर को होगी तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है हायर सेटिस्फैक्शन का रीजन क्या है? बोथ कमोडिटीज गेट इंक्रीज्ड, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज गेट इंक्रीज्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आओ मैं डायग्राम से तुम्हें फिर से समझाती हूँ। ये है वाई एक्सिस, ओके, ये है एक्स एक्सिस, ऑल राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कॉमोडिटी ए है यहाँ पर और ये कॉमोडिटी बी है। उर्फ आप ऐसे कह सकते हो ये लॉलीपॉप्स हैं, ठीक है, ये लॉलीपॉप्स हैं यहाँ पर और ये आपके पास यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, ठीक है राजा, क्लियर हुआ है यहाँ पर? चलो अभी मैं इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ। सबको पता है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स शेप में होती है, ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाई है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, सपोज ये पॉइंट पकड़ते हैं, आ मोहित, हाँ जी मेरी टेलीग्राम आईडी है मोहित जी, नितिका कॉमर्स क्लासेस, नितिका विच इज माई नेम, कॉमर्स क्लासेस कन्नू, एक बार आईडी बच्चा लिख देगी यहाँ पर, एक बार आईडी लिख दे, मोहित बेटा देख लेगा मेरा। यहाँ पर ना हम ये भी ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। सिमिलरली इधर पे मैं ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा यहाँ पे देखो तुम्हें चॉकलेट्स कितनी मिल रही हैं, 8, और लॉलीपॉप्स कितने मिल रहे हैं, 6। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 लॉलीपॉप्स और चॉकलेट्स कितनी मैम, 8 चॉकलेट्स। ये क्या है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व 1। मोहित आपने देख लिया बेटे, ये कन्नू ने यहाँ पे लिखा है, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अब मैं इंडिफरेंस कर्व 2 बनाने लगी हूँ, ये मैं ब्लू पेन से बनाती हूँ, तुमको और क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, इंडिफरेंस कर्व 2 बनाने लगी हूँ मैं, ये इंडिफरेंस कर्व, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी ना, बाकी इसी से मिलती जुलती है। ये मैंने इंडिफरेंस कर्व 2 बना दी। अरे वाह थैंक यू मोहित, तुमने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लो तुम, इस पॉइंट पे देखो तुम्हें जो है चॉकलेट्स कितनी मिल रही हैं मैम, 10, ओके 10 चॉकलेट्स, ठीक है।
और लॉलीपॉप्स कितने मिल रहे हैं? लॉलीपॉप्स मैम 8, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तो ऑब्वियस बात है कि तुम्हें ये ब्लू वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, येस और नो? क्योंकि इसमें दोनों कॉमोडिटीज का लेवल बढ़ गया है। ठीक कह रही हूँ मैं यहाँ पर? अभी मुझे लगता है सबको समझ आ गई है ये प्रॉपर्टी, दैट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन। अब चाहे आप ये पिछला वाला भी देखो, एक बार खुद से बना के देख लो, चाहे और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। जितना जितना चीजों को बार बार देखते जाओगे, एनालाइज करते जाओगे ना, वो बढ़ती जाएगी। कोई पॉइंट ले सकते हो रेंडमली, शुक्ला कोई भी ले लो पॉइंट, हर पॉइंट पे देखो तुम्हें ज्यादा ही मिलने वाला है। कोई ले लो तुम, चाहे तुम ये ले लो, इसमें भी देखो ये ज्यादा होएगा, ये ज्यादा होएगा। मतलब इंडिफरेंस कर्व 2 का सारे पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व 1 से ज्यादा ही होंगे। सबको क्लियर हो गया एवरीवन? अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलूं। ओके, अच्छा, इनडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस। मैम ये कैसे, एक बार हमको बताइए। ना ही वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही वो वाई एक्सिस को टच कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा यहाँ पर तुम लोगों को। चलो पेन पेन पेन। खुशी मुझे नहीं पता राजा, अब मुझे इकोनॉमिक्स का ही पता है अपना। आप जो है ना यूट्यूब पे, या गाइस हियर आई एम बैक, आ गई हूँ मैं वापस तुम लोगों के लिए। अब प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल नाउ? ना, एक सेकंड ही लगा है मुझे और मैं यहाँ पर वापस भी आ गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। हम वो इंडिफरेंस कर्व का कर रहे थे ना, अभी मुझे फटाफट से खोलना पड़ेगा पीडीएफ, जो अपना पीपीटी था वो मैं खोल लूँ जरा यहाँ पर। वो मेरा पीपीटी था, इसके अंदर मैं तभी तुम लोगों से चैट से बात करी थी। मैं क्या, बच्चों ने कहना मैम कहाँ चले गए एकदम से, सो यहाँ पर तभी मैं तुम लोगों से चैट से बात करी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे बच्चे मेरे यहाँ पर आ गए, एकदम से थोड़ा सा इशू हो गया था बट अभी सब ओके है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला आपको बताने लगी थी, एक मिनट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही मैं सीधा जाती हूँ। वही मैं आपको बताने लगी थी यहाँ पर कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके बारे में हम डिस्कस करने लगे थे। दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। आशीष, हाँ, हर्ष थोड़ा सा नेट टिश्यू हो गया था बट मैंने बोला नेट टिश्यू होना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे जो हैं यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने भगवान जी को बड़ी सारी प्रे की और भगवान जी ने मेरी सुन ली और मैं फिर से आ गई तुम लोग के पास। एकदम से मैं चली गई थी, बच्चे कह रहे थे हो मैम कहाँ गए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे लगा बच्चे कितना कितना कंसर्न्ड है हमारी मैम कहाँ चली गई। अर्ज किया है, अरे अरे क्या बात है, क्या बात है। सेम ही ये शेरो शायरी की क्लास तो है नहीं वैसे यहाँ पर, इंडिफरेंस कर्व पे कोई शेर है तो बना दो। चलो ये सेकंड प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर कराने लगी हूँ, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसका मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्यों कैसे, क्यों और कैसे। नहीं, आहू, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताई थी आपको कि जो इनडिफरेंस कर्व है उसमें टू कमोडिटीज होती हैं, येस और नो? तभी तो सेम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं ना, टू कमोडिटीज होती हैं तभी तो हम सेम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। एक ही में कैसे सेम सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं यहाँ पर? ओके, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ तुमको, दो कर्व्स बनाऊंगी साइमल्टेनियसली।
ये फर्स्ट कर्व, ये सेकंड, ठीक है, मेरे साथ बनाओ आप। अच्छा, इतना तो मेरे सब बच्चों को पता है कि ये जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इतना तो सबको पता है ना, अगर मैं इधर भी बात करूं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये है कमोडिटी ए, ये है कमोडिटी ए, ये है कमोडिटी बी, ये भी है कमोडिटी बी, ठीक है। अगर सपोज मैं इंडिफरेंस कर्व को एक्स एक्सिस से टच कर दूं, जरूर सौरभ मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपको सौरभ ये बताऊं कि मैं बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ अनअकैडमी पे, फॉलो मी, दिस इज डॉक्टर नितिका भंडारी, आप वहाँ मेरे पास आइए, डाउट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगी सौरभ, क्योंकि मेरा पर्पस ही यहाँ पर ये है कि जो मेरे ये देश के फ्यूचर हैं, मेरे ये जो प्यारे से बच्चे हैं, इनका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन मैंने थोड़ी अच्छी नहीं बनाई क्योंकि ये थोड़ा लग नहीं रहा, मैं ना एक बार दोबारा बनाती हूँ, वेट अ मिनट, तुम लोग भी बनाओ जरा, इंडिफरेंस कर्व बनाओ जो एक्स एक्सिस को टच करे, एक मिनट, थोड़ा सा ना कन्वेक्स बनाना, थोड़ा कर्व बनाना पड़ेगा ना, लाइक दिस। हाँ, अभी ठीक बनाई मैम आपने, हाँ चलो। सिमिलरली इसमें मैं क्या करती हूँ, वाई एक्सिस से टच करवा देती हूँ, अरे अरे अरे, एक्स से नहीं करना मैम, सिर्फ वाई से करना था, चलो मैंने इससे भी करा दिया, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये दोनों से ही मैंने टच करा दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, इधर अगर मैं देखूं इस पॉइंट को अगर मैं देखूं आशीष, इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, तो इस पॉइंट में यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14, ठीक है, इधर भी ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सिमिलरली इधर भी पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा ना समझने के लिए, हाँ मैम वो तो है ही है। चलो आ जाओ मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठ के चलें। आशु अभी 10 मिनट हैं, गुड़िया नहीं, ये तो मेरा प्यारा सा बेटा है, हाँ सौरभ मैं आपको बताऊंगी, मेरे बच्चे जरूर बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये देखो, अच्छा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एक्स कितना है बताना जरा मैम, एक्स है 14, और इस पॉइंट पे वाई कितना आएगा जल्दी बताना मुझे, एक्स तो 14 आ गया, वाई कितना आएगा मैम, वाई तो यहाँ पर 0 हो गया, क्या मैं ठीक कह रही हूँ, क्या मैं ठीक कह रही हूँ यहाँ पर कि अगर x 14 है तो y 0 हो गया है इस पॉइंट पे, क्या मैं ठीक कह रही हूँ, यस और नो गाइस, हर्ष आपका बहुत अच्छा होगा, देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना, वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सौरभ आपको भी मैं यही बोलूंगी, एक ही चीज पे फोकस करो, वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ देखो y 0 है और इंडिफरेंस कर्व कहती है देयर शुड बी टू कमोडिटीज, और ये तो कंडीशन डिससैटिस्फाई होगी क्योंकि y तो 0 हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि x एक्सिस को टच हो जाए। सेमी ये देखना राजा, इस पॉइंट पे अगर तू इधर जाएगा देखेगा तो y तो 0 आ रहा है ना, ये 0 होता है ना मेरे बच्चे। चलो इधर से देखो, इधर से ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पे y 14 है, सैमी को भी समझ आना चाहिए, y 14 है, तो अगर मैं नीचे आके चेक करूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर x 0 आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब x एक्सिस, ना 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 ना, इट इज नॉट टचिंग y, इट इज टचिंग x, यहां पर y को टच कर रहा है, ये देखो, बिल्कुल ठीक रेशु, तो ऑब्वियसली बात है जब एक जगह पे टचिंग हो जाएगी, एक एक्सिस को टच कर जाएगा, तो दूसरा जो है 0 हो जाएगा, उससे क्या होगा,
कि ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों कमोडिटीज आपके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कमोडिटी है एक जीरो है। ठीक है, अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा एनालिसिस टेस्ट लेने लगी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी चीज़ें कराई हैं यहाँ पर। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जो है मैं चेक करना चाहूँगी कि तुम्हारा एनालिसिस लेवल क्या है। सो यहाँ पर मैं थोड़े से तुम्हें MCQs देती हूँ, मुझे येस और नो में आंसर करना, और कल थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम करेंगे बजट लाइन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अभी तुम्हें नहीं आता है, ये बताइए गाइस, इसका आंसर बताइए मुझे। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि एनालिसिस थोड़ा सा करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बताइए, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, और पता भी लग जाएगा कि पिछला वाला मेरे बच्चे भूल तो नहीं गए कहीं। कन्नू, जो प्लस पे प्राइस डिटर्मिनेशन तो खत्म कर दिया मैंने, आज अभी 12:30 बजे क्लास है ना, नया जो है शुरू होगा चैप्टर, दैट इज इंडेक्स नंबर्स, तो आज 12:30 बजे आ जाइयो मेरे पास। नहीं गाइस, दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, भूल गए क्या? यहाँ पे मैं पेन ले लूँ, पेन मैंने लिया ही नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं ना एडिशनल यूटिलिटी को, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी एवरीवन, कम ऑन। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ ना। यस अमित, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला देती हूँ, ये बताओ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू व्हाट। ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें बताया था, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना गुड़िया? हाँ, ये बताओ मुझे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके इक्वल होती है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यस एग्जैक्टली, सेमी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो हमने किया नहीं था कि सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, सेक्रीफाइस जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं बिल्कुल खुश हुई कि तुम लोग को ये आता था। चलो अगला करते हैं, ये बताओ, ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर Y is indifference curve convex to region, ये बताओ मुझे। जल्दी से, क्यों convex होता है? हाय कीर्ति, इतनी लेट आई गुड़िया। क्या बात है सैमी भैया, क्या बात है, और तुम कहते हो कि मैं शैतानी बच्चा हूं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि तुम इंटेलिजेंट भी बहुत हो। कन्नू नहीं राजा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं, नहीं 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 आहू, नो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो हायर है ना, ना 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 ना, ना, ना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है दोनों कमोडिटीज ज्यादा, ये यूज होती है। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द सेटिस्फैक्शन के लिए। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। ये बताओ, ये मैंने अभी कराया नहीं है, ये भी नहीं। हाँ ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर दो, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। आहू मोनोटोनिक प्रेफरेंस गुड़िया, अभी मैंने कराई नहीं ना अच्छे से, इसलिए तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हो। डू नॉट वरी, मैं करा दूंगी। ओके उड़िया, हाँ ये बता दो एक बार गाइस, और ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से डिफरेंस कर्व करा सकूं। जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी गाइस तुम लोग को रिकॉर्डेड वाला जरूर सुनना,
बहुत फायदा मिलेगा। और जितना हो सके इस लिंक को शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि सब लोगों का भला हो सके यहाँ पर। जल्दी करेक्ट जवाब आ रहे हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए यहाँ पर। क्या बात है, लक्ष्मी जी भी आए हुए हैं, क्या बात है गाइस, ये तो तुमने वो तालियां लेने वाली बात कर दी यहाँ पे, सो नाइस गाइस। मजा आ गया मुझे यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पे ना ऑनेस्टली सब बताना, जितना मैंने आज कराया सबको क्लियर हुआ है? मुझे सबकी तरफ से यस चाहिए, सबकी तरफ से यस चाहिए मुझे, जितना मैंने आज कराया। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कीर्ति वो अभी हमने कल करना है गुड़िया, अभी तो आज मैंने इंडिफरेंस कर्व शुरू ही कराया है। कंज्यूमर इफ एमआरएस इज इंक्रीजिंग, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही नहीं अभी कीर्ति हमने कराया, मेरी बात सुन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे आता है जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, जहां बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट होती है, ठीक है? सो कंकेव में तो वो टेंजेंट हो ही नहीं ना सकती। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए देर आर टू कंडीशंस, और कीर्ति जो आप बात कर रहे हो ना वहां पर टू कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्हेन एमआरएस इज इंक्रीजिंग ना, तो इन डिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कंकेव हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो कीर्ति, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो आपने इसको जरूर एनालाइज और अच्छे से स्टडी भी किया होगा। अभी बाकी बच्चों को तो मैंने ये इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है, बट आपको मैं फिर भी एक बार ये आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, और आई होप कि आप मेरे क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो भी रही हैं। क्या कब पढ़ाएंगी? ये कल होगा शुक्ला जी, कल होगा ये। आज मैंने इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको सारी इंट्रोडक्शन दे दी। अब आप सबको पता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, दो कमोडिटीज होती हैं, दोनों कमोडिटीज जो हैं उस कर्व के ऊपर जो आती हैं जब, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती हैं, हायर देन डिफरेंस कर्व होता है तो आपको हायर सेटिस्फैक्शन मिलती है ना? ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब कल कल हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे बजट लाइन, ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे कि मेरी जो डॉल है कीर्ति मुझे क्वेश्चन पूछ रही है, उसके बाद फिर हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं क्लास एंड कर दूँ। कोई डाउट या कुछ भी आप मुझे पूछना चाहते हो आप प्लीज मुझे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी तरह से भी आपके काम आ पाती हूँ। तो यहाँ किसी तरह का कोई डाउट है मुझे पूछिए, अदरवाइज फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, होपफुली सबको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है। अरे हाउ स्वीट यार, सब मुझे ओके बाय यस, ये जो सारे आप इंटरेक्टिविटी के साथ मुझे यहाँ पर आंसर्स करते हैं ना, दैट इज अ ग्रेट ग्रेट रिवॉर्ड फॉर मी, ठीक है? और अगर कोई बच्चे ने मिडिल में ज्वाइन किया था और उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यस 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 बिल्कुल, हम 12:30 मिलेंगे। कौन से ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड हो आप सेमी? बाय, थैंक यू सो मच। नहीं हर्ष, ज्यादा नहीं आते इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल्स, स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा आते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। 11th में तुम्हारे दो बुक्स हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में रजा ज़्यादा आते हैं और इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिवली कम आते हैं। यू टू टेक केयर माय डियर बच्चा, थैंक यू सो मच अमित। सो कल टाइम पर आ जाना 9:00, ओके? अच्छा ऐसा कैसे हो गया? ओहो चलो ठीक है गाइस, मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे आज तुम लोगों के साथ लेक्चर अटेंड करके, डिफरेंस कर्व करा के, क्योंकि तुम लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छे दिए, और आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर कीजिए।
डॉक्टर नितिका भंडारी, फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं सारे मिलते रहें। बिकॉज आई रियली विश कि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए सारे, ठीक है। अच्छा वो एक्चुअली ग्रुप ना 12th का है ना, मे बी दैट इज वाई, अदरवाइज तो मेरे ग्रुप में तो हो ही ना, वहां पे तो किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दे। चलो गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम लोग की सारी विशेस पूरी हों। इसी तरह से तुम पढ़ाई करते रहो, अपने जो है सक्सेस की सीढ़ियाँ लाइफ में चढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो, मेरा भी नाम रोशन करो और अपने मम्मा पापा का भी नाम रोशन करो। बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स और मैं हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पर पहुंच जाए, और मैं यहाँ पर अनअकैडमी का बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, यहाँ पर फ्री क्लासेस, टोटल फ्री क्लासेस, सुपर रिवीजन बैच रखा है बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अनअकैडमी पर नहीं आ पाते हैं वो यूट्यूब से सीख लें और अनअकैडमी को डाउनलोड कर कर वहाँ पर भी क्लासेस लगाना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है वहाँ पैसे देकर ही आप क्लासेस लगाओगे, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो रजिस्टर योर फ्री क्लास टुडे ओनली, फ्री होती है वहाँ पर भी, आप ये मत सोचिए। थैंक यू सो मच हर्ष, यू टू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस। सो नाउ अभी यहाँ पर फिर मैं क्लास को एंड कर देती हूँ, कल हम मिलेंगे फिर से 9 o'clock, बी ऑन टाइम, आई विल वेट फॉर यू हेयर ओनली, सेम प्लेस सेम टाइम। सो टुमारो विल मीट और हम धमाल मचा देंगे इंडिफरेंस कर्व के घर जाकर। ऑलराइट, बाय बाय, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास गाइस। अमित थैंक यू सो मच, तुम सबसे पहले आए थे और अभी तक आप यहाँ पर क्लास में हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग विच रियली इम्प्रेस्ड मी, थैंक यू।